हेलो फ्रेंड्स, अपने देखे थे मैट्रिक्स के विविध देख रहे थे अपन। अब इसके बाद देखे मैट्रिक्स के अगले क्वेश्चन। देखो मैट्रिक्स का अगला क्वेश्चन है, यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है और तीसरी मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों का इनटू है और वो क्या है, जीरो के बराबर है, या इसको आप शून्य मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, शून्य मैट्रिक्स है या जीरो के बराबर है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको इनटू में करके बता दिया कि इनटू कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को। तो इसके आगे देखते हैं अपन ये वाला 1x1, उसके बाद में है 1 2 3 4 5 6 और 3 2 5, ये हो गया यहाँ तक, और ये है 1 2 3। अब देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इनटू कर देते हैं, तो यहाँ से देखो 1x1 हो गया, ठीक है। इसको इस 1 4 3 से इनटू करना पड़ेगा, मतलब पंक्ति को इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को 1 से इनटू करोगे तो 1 और x को 4 से इनटू करोगे तो प्लस 4, x और 1 को 3 से इनटू करोगे तो प्लस का 3, ठीक है। इसके बाद इस पंक्ति को इससे इतने से इनटू कर दो, तो यहां से 1 को 2 से इनटू करोगे तो 2, x को 5 से इनटू करोगे तो 5x, प्लस 1 को 2 से इनटू करोगे तो वापस 2। यहां से इस पंक्ति को इस सिस्टम से इनटू कर दो, तो देखो 1 को 3 से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, और x को 6 से इनटू करोगे तो 6x, प्लस उसके बाद देखो 1 को 5 से इनटू करोगे तो 5 आ जाएगा। ये हो गई अपनी एक दूसरी मैट्रिक्स बन गई जो इनटू करने के बाद आई है। इसको अपन किससे इनटू करते हैं, 1 2 और 3 से इनटू करते हैं, बराबर 0 आ गया, मतलब शून्य मैट्रिक्स के बराबर है या 0 के बराबर भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये एक अवयव है, ये एक अवयव है और ये एक अवयव है, मतलब ये एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ, तो इनको आपस में गुणा कर दो। देखो ये वाला अवयव एक से इनटू हो जाएगा तो 1 + 4x + 3 किससे इनटू हो जाएगा, 1 से, प्लस 2 + 5x + 2 किससे इनटू हो जाएगा, 2 से, प्लस 3 + 6x + 5 किससे इनटू हो जाएगा, 3 से, और ये किसके बराबर है, 0। शून्य मैट्रिक्स का मतलब संगत अवयव आपस में क्या है, बराबर है, संगत अवयव आपस में बराबर है, मतलब इनका इनटू भी आपस में, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, इनटू कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 + 4x + 3 + 2 को 2 से इनटू करोगे तो 4, प्लस 5 को 2 से इनटू करोगे तो 10x, अक्ष है ना साथ में, प्लस 2 को 2 से इनटू करोगे 4, 3 को 3 से इनटू करोगे 9, 6x को 3 से इनटू करोगे तो 18x, प्लस 5 को 3 से इनटू करोगे तो 15 बराबर 0। अब देखो अक्ष के वेरिएबल x का कर लो और जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, अक्ष का देखो 4x 10x, 4 और 10 कितने हो गए, 14 और 18, मतलब 14 और 18 कितने हो जाएंगे, 32, मतलब 32x, प्लस अब देखो 1 और 3 5 5 और 4 9 9 4 13 13 और 9 22, 22 और 15 कितने हो गए, 37 बराबर 0। तो 32x बराबर क्या आ जाएगा, 37, ये साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 32, तो x की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 32। यहां से ना देखो 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 9 18 18 और 33 और 4 37, ये सही है, x का मान आया माइनस का 37 बाय 32। यहां पे नोट करो, उसके बाद देखते हैं अगला सॉल्यूशन। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो a स्मॉल a है, उसके बाद में कैपिटल a है जो मैट्रिक्स दे रखी है, प्लस b स्मॉल a मतलब, और b कैपिटल है जो मैट्रिक्स दे रखी है, उसके बाद सेम है लेकिन नेगेटिव चीज है, साइन है, तो आगे के रूप में इसको लिखना है, मतलब इस चीज ये दे रखी है और इसको आगे के रूप में लिखना है। तो पहली बात ये देख लो कि a बराबर देखो क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है 1 0 0 1, b बराबर देखो क्या दे रखा है, n 4 है, मतलब 0 1 -1 0 आ देखो, ये दो चीज दे रखी है, a और b, प्लस स्मॉल b और स्मॉल कैपिटल b,
ए स्मॉल आवर कैपिटल ए है माइनस बी स्मॉल आवर कैपिटल बी है। अब इसको देखो इस रूप में है ना, मैट्रिक्स रूप में इसको प्रदर्शित करना है, मतलब इसको सॉल्व करके मैट्रिक्स रूप में बनाना है। तो एक काम करो आप, यहां से ये प्लस नहीं है, यहां पे इनटू है ना, यहां पे इनटू है, तो इन दोनों को इनटू कर दो आप, इसको इससे इनटू कर दो, तो ए को मतलब स्मॉल ए को ए से इनटू करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां से देखो स्मॉल ये प्लस है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ए और क्या हो जाएंगे, ए बी ठीक है, इस चीज को यहाँ से इंटू करो तो प्लस का तो साइन आ जाएगा, लेकिन ओ ए बी और ए और बी ये आ गया ठीक है। और यहाँ से इंटू करो, अब ये वाला साइन यहाँ से इंटू हो जाएगा तो माइनस का तो साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और उसके बाद देखो बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया आपके पास। अब देखो आपको चाहिए क्या क्या, एक तो ए स्क्वायर चाहिए और एक बी स्क्वायर चाहिए इनटू करने के लिए, तो आप निकाल लेते हैं यहां से ए स्क्वायर बराबर ए इनटू ए, देखो 1 0 0 1 1 0 0 1 ठीक है, ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से इनटू कर दो, तो 1 को 1 से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यहीं पर लिखा हुआ 1 को 1 से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 को 0 से इनटू करोगे तो 0 ठीक है। ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से भी इनटू हो जाएगी, प्लस 0 कर दो, 1 को 0 से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 को 1 से इनटू करोगे तो 0 प्लस 0 ठीक है। ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से इनटू करो, तो 1 को 0 से इनटू करोगे तो 0 और 1 को 0 से इनटू करोगे तो 0 प्लस 0, 0 को 0 से इनटू करोगे 0 और 1 को 1 से इनटू करोगे 1, 0 प्लस 1 ये आ गया अपने पास a स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर निकाल दें, b स्क्वायर बराबर b इनटू b, तो b की वैल्यू देखो क्या है 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 होगी। ये वाली पंक्ति यहां से स्तंभ को इनटू कर दो आप ठीक है, 0 को 0 से इनटू करोगे क्या आएगा 0, 1 को 1 से इनटू करोगे तो 0 माइनस 1, 0 को 0 से इनटू किया 0, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ गया, 1 को 1 से इनटू किया 1। ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से भी इनटू करो आप, तो 0 को 1 से इनटू किया तो क्या आएगा 0, और 1 को 0 से इनटू किया तो क्या आएगा वापस 0। ये वाली पंक्ति आगे इस सिस्टम से इनटू कर दो, माइनस 1 को 0 से इनटू किया तो क्या आएगा 0, और 0 को 0 से इनटू किया तो 0 ठीक है। अब देखो यहां पे ये 0 है, मतलब 0 बटा 0 0 ये की बात है। उसके बाद देखो माइनस 1 को 1 से इनटू किया तो क्या आएगा माइनस का 1, और 0 को 0 से इनटू किया तो क्या आएगा 0, ये आ गया अपने पास a स्क्वायर भी आ गया और b स्क्वायर भी आ गया। आप यहां तक नोट करो, उसके बाद देखते हैं अपन आगे, मतलब यहां पे जो है ना इसको रख के देखते हैं, मैं मेरे पर बात चले स्पेस का मैं तो मिटाना पड़ेगा, एक लाइन और लिख देता हूं, a स्क्वायर से इनटू कर दो इसको, a स्क्वायर को a स्क्वायर से इनटू कर दो तो अंदर का एलिमेंट भी इनटू हो जाएगा ना, तो इसको इनटू करो तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, देखो a का तो स्क्वायर हो गया इनटू 1 0 0 1 माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या है माइनस 1 0 0 माइनस 1 ये आ गया अपने पास ठीक है। यहां तक आप नोट करो, उसके बाद मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब देखो अब a स्क्वायर को अंदर इनटू कर दो आप ठीक है, यहां से तो a स्क्वायर को अंदर इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस का b स्क्वायर को अंदर इनटू कर दो तो माइनस का b स्क्वायर 0 0 माइनस का b स्क्वायर ये आ गया, ये माइनस का b स्क्वायर है यहां पे। अब देखो आगे ये दो है इनको घटा दो, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन वैसे ही कर दो, तो a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 को 0 से करके ऐड तो 0 और 0 ठीक है, यहां से 0 को 0 से ऐड करेंगे वापस 0 और 0, ये a स्क्वायर तो है ही है लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का साइन हो जाएगा, इसके बाद में b स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है आ गई है जो हमें पूछी थी कि
इसको और इसको इंटू करने के बाद अपन को एक मैट्रिक्स रूप में लिखना है जो अपन ने लिख दिया है। यहां तक आप नोट करो, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, बी बराबर एक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वापस देख लो, क्वेश्चन एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का नेगेटिव करके होल स्क्वायर बराबर पहली मैट्रिक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू पहली और सेकंड मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पे नोट कर लो, तो क्वेश्चन में दे रखा है देखो ए बराबर, देखो क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है टू माइनस वन, वन और टू, बी बराबर दे रखा है वन फोर माइनस वन और वन, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से निकालो पहले, पहली बात तो ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो क्योंकि इस तरह करना है, फिर इसको डबल इंटू कर देंगे, मतलब इसको ए माइनस को ए माइनस बी से इंटू कर देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से निकालो ए माइनस बी का, ए माइनस बी निकाल लो आप, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा देखो टू वन माइनस वन टू माइनस बी, देखो क्या है वन फोर माइनस वन वन, कर दो यहां से कटा दो, टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, वन माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस का थ्री, माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, टू माइनस वन क्या हो जाएंगे वन, ठीक है। ए माइनस बी आ गया, तो अपन को इसका स्क्वायर भी करना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से ए माइनस बी ए माइनस बी दो बार इंटू कर दो, तो वन माइनस थ्री जीरो और वन, वन माइनस थ्री जीरो और वन, ठीक है, इसको इंटू कर दो। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से दूसरी मैट्रिक्स की गुणा कर दो, तो दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ और पहले मैट्रिक्स की पंक्ति इंटू कर दो, ठीक है। तो वन को वन से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा वन, और माइनस थ्री को जीरो से इंटू करोगे तो जीरो। इस पंक्ति को इसी स्तंभ से भी इंटू करना पड़ेगा, तो वन को माइनस थ्री से इंटू करोगे तो माइनस का थ्री, और माइनस थ्री को थ्री से वन से इंटू करोगे तो माइनस का थ्री वापिस आ जाएगा। देखो वन को किया माइनस थ्री को वन से किया माइनस का थ्री, ये वाली पंक्ति भी अब इंटू होगी यहाँ पे, जीरो को वन से इंटू करो जीरो प्लस वन को जीरो से इंटू करो तो जीरो, ठीक है। जीरो को थ्री से इंटू किया जीरो माइनस का साइन हो, वन को वन से इंटू किया वन, ये आ गया अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका है। अब निकालना है हमको ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए निकालो, ए को ऐसे इंटू करो टू वन माइनस वन टू इंटू टू वन माइनस वन इंटू टू बराबर, देखो ये वाली पंक्ति यहां से इस सिस्टम से इंटू हो जाएगी, टू को टू से इंटू करो तो क्या जाएगा फोर, और वन को वन से इंटू करो वन, लेकिन नेगेटिव साइन है तो माइनस वन, ठीक है। इस पंक्ति को इस सिस्टम से इंटू करो, तो टू को वन से इंटू किया तो क्या आया टू, उसके बाद देखो वन को टू से इंटू किया तो प्लस का टू, ठीक है। माइनस वन को टू से इंटू किया माइनस का टू, टू को माइनस वन से इंटू किया तो माइनस का टू, वन को वन से इंटू किया वन, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ तो वन, टू को टू से इंटू किया तो फोर प्लस का फोर, यह आ गया अपने पास ए स्क्वायर। अब निकालना है ए बी निकालना है, तो ए बी, ए बी बराबर टू से बाद में इंटू कर देंगे, पहले ए बी निकाल लो, तो ए इंटू बी, ठीक है। ए की वैल्यू देखो क्या है टू वन माइनस वन टू, और बी की वैल्यू देखो क्या है वन फोर माइनस वन वन, यही है ना। इस वाली पंक्ति को इसी स्तंभ से भी इंटू करना पड़ेगा आपको, देखो टू को वन से इंटू किया तो क्या आया टू, वन को वन से इंटू किया तो माइनस वन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है। अब इस पंक्ति को इसी स्तंभ से भी इंटू करो, टू को फोर से इंटू किया तो क्या आया एट,
वन को वन से इंटू किया तो वन। आगे देखो इस पंक्ति को इंटू करो, आगे माइनस वन को वन से इंटू किया तो माइनस का वन, टू को माइनस वन से इंटू किया तो माइनस का टू, नेगेटिव साइड है। माइनस वन को फोर से इंटू किया तो माइनस का फोर, टू को वन से इंटू किया तो प्लस का टू, ठीक है। अब देखो अपने पास आ गया एक भी, आपको निकालना है बी स्क्वायर, तो मैं एक बार ये दो क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए, यहाँ मिटा रहा हूँ ये ड्रम, जो जो वैल्यूज आई है अपनी। वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, भाई मिटा रहा हूँ पूरा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका है अपने पास, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, 1 और 0 क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस के 6, और 0 और 0 0 और 0 प्लस 1 1 हो गया। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो a स्क्वायर भी आ गया, तो a स्क्वायर देखो क्या है, 4 माइनस 1 3, 2 और 2 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4, माइनस वन प्लस फोर क्या हो जाएंगे 3। अब हो गया ए बी, ए बी देखो ए बी आ चुका है, 2 माइनस वन क्या हो गया 1, 8 और 1 9, इसके बाद देखो माइनस वन माइनस टू माइनस के 3, माइनस फोर प्लस टू माइनस का 2। लेकिन निकालना क्या है, 2 ए बी निकालना है ना, 2 ए बी निकालना है, तो इसको एक काम करो ए बी को 2 से इंटू कर दो आप, तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2, 9 को 2 से 18, 3 को 2 से माइनस का 6, माइनस 2 को 2 से माइनस का 4, ये हो गया आपके पास। अब निकालना है b स्क्वायर, तो यहां से मैं सब कर रहा हूं, यहां तक निकाल लिया मैंने b स्क्वायर निकाल लिया, देखो b स्क्वायर निकाल दें, b स्क्वायर मतलब b इनटू b, तो b को b से इनटू करो तो 1 4 माइनस 1 1 1 4 माइनस 1 1 को इनटू करो, तो ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से इनटू हो जाएगी, तो 1 को 1 से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और 4 को माइनस 1 से इनटू करोगे तो माइनस का 4, ठीक है। 1 को 4 से इनटू करो तो मतलब सिस्टम से इनटू करना है ना, 1 को 4 से इनटू करो तो क्या आ जाएगा 4, 4 को 1 से इनटू करो तो प्लस का 4। आगे देखो ये वाली पंक्ति आगे इस फंक्शन टू देख, तो माइनस वन को वन से इंटू करो तो माइनस का वन, वन को माइनस वन से इंटू करो तो वापस माइनस का वन, माइनस वन को फोर से इंटू करो माइनस का फोर, वन को वन से इंटू करो तो प्लस का वन। तो देखो क्या आ गया अपने पास बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपन यहाँ नोट कर लेते हैं, बी स्क्वायर देखो क्या है, वन माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस का थ्री, फोर और फोर क्या हो जाएगा एट, उसके बाद देखो माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये आ गया अपने पास b स्क्वायर। अब देखो यहां पे मान को कर देते हैं, सारे वैल्यू आ चुके हैं अपने पास, अब हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, जो है अपने पास 1 माइनस 6 0 1, नॉट इक्वल टू का साइन है, a स्क्वायर पे जगह देखो क्या है 3 4 माइनस 4 3, ab के जगह 2 ab की जगह देखो क्या है 2 18 माइनस 6 माइनस 4 प्लस b स्क्वायर की जगह देखो क्या है माइनस का 3 है माइनस का 2 माइनस का 3, ये आ गया अपने पास वैल्यू। अब देखो यहां से ये तो सेम आ जाएगा, यहां नीचे 1 माइनस 6 0 और 1, ये देखो 3 प्लस का है माइनस का 2 है माइनस का 3 है, तो इसको एक जगह लिख लो आप, नॉट इक्वल टू 3 माइनस का साइन है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस का साइन हो जाएगा वापस माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 है वो तो सेम रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन कर दो, 18 आ गया, प्लस है प्लस 8 मतलब 8 हो गया, माइनस का 4 रह जाएगा, नेगेटिव साइन है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे प्लस के 6, और यहाँ पे देखो आगे क्या है प्लस नेगेटिव नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 सेम रह जाएगा, नेगेटिव साइन है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, अब देखो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा और 3 आ जाएगा, ये आगे पास आगे
एक्सप्रेशन में 1 माइनस 6 0 1 नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 3 मतलब 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा 8 और 4 तो 12 हो गए 12 माइनस 18 मतलब माइनस का 6 ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस 6 मतलब माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो गया 0 हो गया। ये देखो यहां से 3 और 3 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे 4 बचेगा। तो देखो ये मैट्रिक्स क्या है इस मैट्रिक्स के बराबर है क्योंकि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है संगत अवयव आपस में क्या है बराबर नहीं है 1 माइनस 2 से कंपैरिजन हो रहा है 1 4 से कंपैरिजन हो रहा है तो यहां संगत अवयव आपस में बराबर नहीं है। तो अपने ये बात से बता दें कि a माइनस b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां तक आप नोट करो उसके बाद देखते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है और फंक्शन ऑफ a मतलब f के बराबर दिया रखा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i तो अपन को निकालना क्या है f a क्या करना है। यहां से देखो ये क्वेश्चन तो आप आसान से मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि a into a करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 को ऐसे इनटू करोगे तो 5 आ जाएगा 7i। i यहां पे क्या है इकाई का वैल्यू है जिसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे 1001 ये वैल्यू लिख के आप इसको सॉल्व करोगे और f का मान निकाल लेना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत करवा दिया मतलब ज्यादा ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इनटू करना है कहते सुन लेना 5 से 1 7i को मतलब इकाई आगे से इनटू करना है या आप इसको खुद से नोट करोगे मतलब खुद से एक सॉल्व करोगे मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख दिया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर एक मैट्रिक्स है b बराबर एक मैट्रिक्स है c बराबर एक मैट्रिक्स है और i बराबर आपको दे रखा है जो मैट्रिक्स के अंदर अवयव है i बराबर दे रखा है अंडर रूट माइनस 1 सिद्ध कीजिए a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर माइनस का i 2 अपन को ये सिद्ध करना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किसके बराबर है माइनस i 2। i 2 क्या होगा देखो i 2 क्या होगा i 2 होगा जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी मतलब इकाई मैट्रिक्स होगी i 2 आपके पास जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी i 2 वो नई इकाई मैट्रिक्स होगी। देखो a स्क्वायर निकालना पहले लिख लो आप a देखो क्या दे रखा है a बराबर दे रखा है i 0 0 i नेगेटिव i है उसके बाद देखो b बराबर दे रखा है 0 माइनस 1 1 और 0 एंड c बराबर भी दे रखा है 0 i i 0 ये दे रखा है तीन वैल्यू दे रखे हैं लेकिन और i बराबर क्या दे रखा है i बराबर दे रखा है अंडर रूट माइनस 1 ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है हमको a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर नेगेटिव i 2 जो अपने पास इकाई मैट्रिक्स है वो नेगेटिव साइन के साथ प्राप्त होनी चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं यहां से a स्क्वायर क्या हो जाएगा a इनटू a ठीक है। तो a क्या हो जाएगा i 0 0 माइनस i वापस ये देखो i 0 0 माइनस i ठीक है इनटू कर दो पंक्ति को इस तरह से इनटू कर दो यहां से तो i को i से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा i स्क्वायर उसके बाद देखो 0 को 0 से इनटू करोगे तो 0 आ जाएगा उसके बाद देखो ये पंक्ति इस सिस्टम से इनटू होगी तो i को 0 से और 0 को भी i से करोगे तो 0 प्लस 0 यहां पर आप 0 भी लिख सकते हो उसके बाद देखो ये वाली पंक्ति आगे इस तरह से इनटू की 0 को i से इनटू करोगे 0 और 0 को माइनस i से इनटू करोगे तो वापस 0 ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से इनटू की तो 0 को 0 से इनटू करोगे तो 0 प्लस नेगेटिव i को नेगेटिव i से इनटू करोगे तो i स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा ये आ गया अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो b स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू देखो b इनटू b है b देखो क्या है 0 माइनस 1 1 और 0 ठीक है तो 0 माइनस 1 1 और 0 को इनटू करना है b को b से तो ये देखो क्या आ जाएगा यहां पंक्ति इस तरह से इनटू हो जाएगी ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट कर सकते हो तो आपको बताने के लिए कर रहा हूं पंक्ति को इस तरह से इनटू कैसे किया जाता है 0 को 0 से इनटू करोगे 0 माइनस 1 को 1 से इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आगे देखो 0 को इनटू करोगे 1 से 0 माइनस 1 को 0 से इनटू करोगे वापस 0 ये देखो 1 को 0 और 0 को 1 से 0 ये देखो 1 को माइनस 1 से इनटू करोगे तो माइनस 1
और जीरो को जीरो से इनटू करोगे तो प्लस का जीरो ये हो गया यहाँ से बी स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर बराबर देखो सी इंटू सी हो जाएगा तो सी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है जीरो आई आई और जीरो जीरो आई आई और जीरो ये दे रखा है तो यहाँ से पंक्ति को स्तंभ से इंटू करो आगे भी स्तंभ से इंटू करना है। देखो जीरो को जीरो से इंटू किया जीरो और आई को आई से इंटू किया तो आई स्क्वायर जीरो प्लस आई स्क्वायर लिखने के बाद है जीरो प्लस पहले लिखने को जीरो प्लस आई स्क्वायर ठीक है। यहाँ से देखो ये जीरो ये आई ये जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो है ये प्लस आई स्क्वायर ये वाली पंक्ति आगे स्तंभ से इंटू होगी ये स्तंभ है शर्मा लो आई स्क्वायर को आई को जीरो से इंटू करोगे जीरो जीरो आई से इंटू करोगे वापस जीरो आई को आई से इंटू करोगे आई स्क्वायर प्लस जीरो ये हो गया आई स्क्वायर प्लस जीरो। अब आ गया अपने पास ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आने के बाद अपन यहाँ मान पुट करते हैं तो एक काम करो आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को ये मैंने क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन नोट करो खुद से सॉल्व करना ये क्वेश्चन आप मैंने वहाँ पे लिख दिया है तुम्हें अब यहाँ पे मिटा रहा हूँ ये तीनों मान पहले यहाँ लिखने देखो ए स्क्वायर का मान देखो क्या है आई स्क्वायर जीरो जीरो और आई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन सी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है आई स्क्वायर जीरो जीरो आई स्क्वायर ये हो गया। अब देखो अपन को यहाँ पे प्रूफ करने ही है मान सारे जीवे में आपको समझ में आ जाए तो यहाँ तक आप नोट कीजिए उसके बाद में देखने आ जाए।